खतरों के खिलाड़ी 11 के सभी प्रतिभागी इन दिनों खासा चर्चा में बने हुए हैं। लेकिन श्वेता तिवारी अभी इस शो के साथ साथ अपने निजी कारणों के कारण भी सुर्खियों में बनी हुई है। दरअसल जब से श्वेता इस स्टंट शो की शूटिंग के लिए केप टाउन गई है, तब से उनके पति अभिनव ने श्वेता का जीना मुश्किल कर दिया है और अब इनके निजी लड़ाई के कारण मामला कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसकी सुनवाई 24 मई को होने वाली है। दरअसल श्वेता के केप टाउन जाते ही अभिनव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा वीडियो पोस्ट किया, जहां वो ये बताते दिखे कि उनके बेटे रियांश को श्वेता ने कहीं छुपा दिया है। वो बीमार है और अपने बेटे को वो मुंबई के कई होटल्स में ढूंढ रहे हैं। अभिनव ने इस वीडियो में बताया कि श्वेता एक गैर जिम्मेदार माँ है और वो बेटे रियांश को बीमार हालत में छोड़कर पैसे कमाने के लिए केप टाउन में रियलिटी शो की शूटिंग करने के लिए गई है। और अभिनव के इस वीडियो के बाद श्वेता ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है, जो एक सीसीटीवी का फुटेज है, जहां अभिनव श्वेता को मारते दिख रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अब NCW यानी नेशनल वुमेन ऑफ कमीशन ने मामले में हस्तक्षेप किया है और चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने महाराष्ट्र के DGP को इस घरेलू हिंसा के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। और अब अभिनव कोहली ने NCW के पोस्ट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा है, आदरणीय चेयरपर्सन, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महाराष्ट्र के DGP को मेरे बेटे के लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहिए और मुझे मेरे बेटे को मेरे पास पहुंचा दो। और अब ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट अभिनव कोहली के तरफ की कहानी भी सुनना चाहती है, जिसकी सुनवाई अब कोर्ट में होगी। और हाई कोर्ट ने श्वेता और अभिनव दोनों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया है, जिस कारण श्वेता को केप टाउन से रिटर्न आना पड़ेगा। लेकिन श्वेता ने अभी अपनी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं दी है। अब ये देखना होगा कि श्वेता तिवारी खुद कोर्ट में हाजिर होंगी या फिर उनके बदले उनके वकील।